प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जुटे लोग, ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर पीएम की अमेरिका से वापसी का जश्न मनाया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिया आर्थिक स्वच्छता पर जोर, बोले गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजने से भ्रष्टाचार पर लगी है रोक, अगस्त महीने में यूपीआई से 350 करोड़ का लेन देन हुआ। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नदियों को बचाने की अपील की, विश्व नदी दिवस के मौके पर कहा साल में एक बार नदी उत्सव तो मनाना ही चाहिए। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कोरोना से मजबूती से लड़ रहा है देश, वैक्सीनेशन में रोज बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने 22 मिनट लंबा भाषण दिया, संयुक्त राष्ट्र को विश्वसनीयता बढ़ाने की नसीहत दी, चीन और पाकिस्तान दोनों पर बिना नाम लिए निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पीएम मोदी ने कहा अगर संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी प्रभावशीलता को सुधारना होगा, विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा चौथी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है, पहले सीएम और अब पीएम, 20 साल से देश की सेवा कर रहा हूं, ये लोकतंत्र में ही संभव। पीएम मोदी ने यूएन महासभा के अपने संबोधन में कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, बोले पिछले 1.5 साल से सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है दुनिया, वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की विकास की ताकत भी बताई, बोले जब भारत में विकास होता है तो विश्व को गति मिलती है, मोदी ने सरकार की प्राथमिकताएं बताई, कई योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा भारत में 7 साल में 43 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमा कवर दिया, 3 करोड़ बेघर लोगों को मकान का मालिक बनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डिजिटल युग पर भी प्रधानमंत्री बोले, कहा भारत में अब डिजिटल युग शुरू हो चुका है, 350 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन भारत में होने की जानकारी। पीएम मोदी की अमेरिका दौरे में बहुत बड़ी कामयाबी, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सीट। न्यूयॉर्क में गूंजा मोदी मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक और संबोधन के बाद लोगों से मिले प्रधानमंत्री, हाथ मिलाया सेल्फी भी। पीएम मोदी ने ग्लोबल सिटीजन कार्यक्रम को न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, कहा एक साथ मिल जाएं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम, कार्यक्रम का कई देशों में प्रसारण हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के वीडियो के जरिए राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कमला हैरिस का वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा लोकतंत्र को तानाशाह में बदलने की कोशिश करने वालों को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री ने चीन के विस्तारवाद पर बात कही लेकिन विस्तारवाद पर होने वाली वैश्विक चर्चाओं में खुद प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया जाता। 157 खास तोहफों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री, 157 कलाकृतियां और एंटीक वस्तुएं अमेरिका ने मोदी को उपहार में दी है जिन्हें अब वो अपने साथ लाए हैं। नक्सलवाद पर नकेल के लिए सरकार की बड़ी बैठक, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हुए। जातिगत जनगणना मुद्दे पर झारखंड से सर्वदलीय शिष्टमंडल आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिलेगा, सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे, शाम 4 बजे ये मुलाकात होगी। देश के पहले सहकारिता सम्मेलन को अमित शाह ने संबोधित किया, कहा पहला सहकारिता मंत्री बनना गर्व की बात है, सहकारिता से ही जन कल्याण संभव, सहकार से समृद्धि हमारा मंत्र। लखनऊ में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन, सीएम योगी किसानों से संवाद करेंगे, सम्मेलन में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया, कांग्रेस और वाम दलों के साथ आम आदमी पार्टी भी किसानों के इस भारत बंद में शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत बोले यूपी में गन्ने का रेट 425 रुपए से कम मंजूर नहीं, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 10 महीने से धरने पर हैं किसान।
बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बोल, कहा जहां भी मुस्लिम बहुमत में आ जाते हैं वहां हिंसा होती है, रक्तपात होता है। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता से अभद्रता और मारपीट विवाद में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा समेत 27 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण मेले के दौरान कल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई, फिर से जमकर हाथापाई हुई। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा भी वहां मौजूद थे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले अपने जनप्रतिनिधियों तक को संरक्षण नहीं दे पा रही सरकार, कानून व्यवस्था फरार है, जनाक्रोश का हिंसक होना अच्छी बात नहीं। पीलीभीत में जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं और लोगों से सांसद वरुण गांधी ने संवाद किया, सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी, कई लोगों ने जमकर तारीफ भी की। मिशन यूपी के तहत कल से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक हफ्ते का लखनऊ दौरा, संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगी, नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। यूपी चुनाव के लिए बनी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की, सवाल हुए तो कहा रूटीन बैठक थी, कुछ अहम होगा तो बताऊंगा। यूपी के रायबरेली में AIMIM समर्थकों का पाकिस्तान प्रेम सामने आया, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले के साथ चल रहे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी रैली की, बाहुबली अतीक अहमद को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया, उनके घर जाकर खाना भी खाया। ओवैसी ने प्रयागराज की रैली में कहा मोदी योगी अखिलेश मायावती या कांग्रेस से डरना नहीं, जैसे मोदी ओबीसी समाज के नेता वैसे मुस्लिमों को भी अपना नेता चुनना। प्रयागराज में रैली से पहले असदुद्दीन ओवैसी का हुआ विरोध, झूसी इलाके के शास्त्री ब्रिज पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की, काले झंडे दिखाए। असदुद्दीन ओवैसी ने धर्मांतरण केस में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को जुल्म बताया, उनकी रिहाई की मांग की, 10 दिन की रिमांड पर है सिद्दीकी, यूपी एटीएस कर रही है मामले में पूछताछ। ABP News आपको रखे आगे।